बोलो जी। हेलो आंटी, आंटी हमारी बॉल इधर आई थी क्या? नहीं नहीं आई थी, लेकिन हमारे सिद्धू अंकल आने वाले, उनसे संभल के रहना। कैसी बातें सुनता है यार। अरे क्या हुआ, तेरा सुसु निकलने वाला है क्या? हवा ले रहा है टीम के चैंपियंस। अरे ये लोग तो वही है ना जो ग्राउंड पे लंबे लंबे छक्के मारते हैं। हाँ तो लंबे लंबे मारते तभी तो छक्के होते, छोटे छोटे मारते तो चौके हो जाते ना। क्रिकेट मालूम नहीं है इसको, कुछ भी मालूम नहीं है। आप लोग सब देश के चैंपियन हो ना, आपको पता है ये हमारे इधर का चिंपैंजी है। चलो जाके अंदर पढ़ाई करो, नौटंकी कर रहे हैं यहाँ पे। क्या पढ़ाई करो? माँ कहती है स्कूल में जाके पढ़ाई करो, बाबूजी कहते हैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करो, और आप कहते हैं बाहर जाके पढ़ाई करो। यार एकदम, यार सेम यार, एकदम शाहरुख खान लगा है। साला तू तो बहुत टैलेंटेड है यार। साला तू तो बहुत टैलेंटेड नहीं, साला ही टैलेंटेड है। मतलब देखो, पता है हमारे आदरणीय कृष्णा अंकल जो है ना, सुपरस्टार टैलेंटेड, नीतीश उनका जीजा लगता है। तो सोच साला कितना टैलेंटेड है। तो आज तो फिर कृष्णा इस एपिसोड के पैसे भी नहीं देगा ना, आज तो उनके जीजा भी आए। नहीं ये दूर का साला है, ऐसा कोई क्लोज नहीं, दूर का साला है, कजिन सिस्टर से शादी हुई है। हाँ कृष्णा अंकल बहुत मनी माइंडेड है। हाँ दो दो बच्चे भी तो पालने होते, पैसे लेंगे वो, पैसे लेंगे, नहीं लेंगे, पूरे पैसे लेंगे वो। तेरा बहुत सही है यार। हाँ मामा ने बात करनी बंद कर दी तो जीजा लेके आ गया। देखो ना मैं बाद में देखूंगा, पीछे मिल तू मेरे को, मुझे इन सब लोग से बात करने दे। हेलो हाय। आप लोग सब दुबई में थे ना? हाँ। कैसा था आप लोग का हनीमून? वो हनीमून मनाने थोड़ी गए थे। नहीं मेरे को पता, नेहा कक्कड़ अभी गई थी हनीमून मनाने, गई थी दुबई। तो नेहा कक्कड़ की शादी हुई ना बेटा? हाँ तो नीतीश राणा की भी शादी हुई ना बेटा। वो क्रिकेट खेलने गए थे वहाँ। हाँ तो जो क्रिकेट खेलते वो हनीमून नहीं मना सकते क्या? तुम दोनों अभी बहुत छोटे हो, बड़े हो जाओगे तो फिर समझ में आएंगी चीजें। यार सब कुछ बड़े हो गए समझ में आएगी, तो बच्चा पैदा ही क्यों किया हमको? सीधा पढ़ाई पैदा कर देते ना। हाँ अंकल हमको कुछ बड़े होने की वैक्सीन बना दो ना हमारे लिए प्लीज। बड़े होने की क्या वैक्सीन होती है, मतलब वो कैसे बना देंगे? अरे 25 बॉल में 50 रन बना देते हैं ये लोग। वैक्सीन तो ऐसे बना देंगे, ऐसे है कि नहीं? करने क्या आए तुम दोनों? हम लोग क्रिकेटर बनना है, क्रिकेटर। क्रिकेटर क्रिकेटर बनेंगे हम लोग, और क्रिकेटर बन के हमारे देश की जितनी हीरोइंस है उनके लिए हम कुछ करेंगे। हीरोइन के लिए क्या करना चाहते हो? वही जो विराट अंकल ने किया, हरभजन अंकल ने किया, शादी। इतने छोटे हो गए शादी करोगे तुम? तो छोटी वाली शादी करवा दो। ये मतलब 7 फेरे की जगह 3.5 फेरे ले लेंगे, उसमें क्या हो गया? हर चीज की एक उम्र होती है बच्चों। नहीं हर चीज की उम्र नहीं होती है, हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, हमने चीज बहुत खाई है। हाँ अंकल आप हमारे साथ। तुम लोगों की उम्र नहीं, अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं सोचते। अच्छा जवानों को बोलते हो दिल बच्चा रखो, यहाँ पर एक बच्चा अपना दिल थोड़ा सा जवान रखता है, उससे भी प्रॉब्लम है आपको, ये क्या बात है? तुम दोनों क्रिकेट देखते हो?
बहुत देखते भाई, क्रिकेट मैं रोज देखता हूँ सारा का सारा, सब एम्पायर स्टम्प विकेट बॉल सब देख लेता हूँ मैं। मैं तो इतना क्रिकेट देखता हूँ, लेकिन वो लड़कियाँ होती हैं ना लेडीज वहाँ पे, वो आंटी लोग मेरे को अच्छी नहीं लगती हैं। आप लोग 4 और 6 मारते हो ना तो वो डांस करती हैं, फिर आपको पता नहीं आप आउट होते हो ना तो भी वो डांस करती है। दो भी कहीं की एकदम, मतलब वो चेयर लीडर होती है ना, अगर चौका छक्का मारे तो वो अप्रिशिएट करती है, कोई आउट हो तो भी अप्रिशिएट करती है। आप लोग के लिए अच्छा, आप चौका छक्का मारते हो अप्रिशिएट करने के लिए, वो डांस करती है। मैं होमवर्क करते करते मर जाता हूँ और मुझे अप्रिशिएट मेरी वो मस्से वाली टीचर पता है कैसे करती है, वेरी गुड सिट डाउन, ये अप्रिसिएशन है। हाँ, हम लोग भी चाहते हैं कि हम भी अपने स्कूल में 2 का पहाड़ा बोलें और इंग्लिश की टीचर पम पम उठा के ऐसे ऐसे करे। आएगा पहाड़ा सुनाओगे तो मैथ वाली टीचर नाचेगी ना, तो मैथ वाले तो सर है ना दाढ़ी वाले, उनका डांस कौन देखेगा। इंग्लिश टीचर मेरे को बहुत अच्छी, अरे ये इंग्लिश टीचर से याद आया क्या? पापा घर पे आने वाले हैं। इंग्लिश वाले टीचर से पापा क्यों याद आ गए? वो पेरेंट्स मीटिंग पे गए थे ना। हाँ तो वो आएंगे, पूरी नेगेटिविटी लेकर आएंगे अब घर पे। ऐसे क्यों पढ़ते हो, वहाँ पे क्यों जाते हो, ग्राउंड में मत खेलो, पढ़ लिख के कुछ बनना, ऐसा नेगेटिव आदमी है ना। चिल कर यार, कोई बात नहीं यार, क्या है ना ये सब चिल्लम चिली करके पापा लोग को एकदम पापा वाली फीलिंग आती है। हाँ। वरना पूरा साल तो मम्मी की डांटी खानी है, तो एक दिन मिलता है उनको, ऐसे मजा। तूने ना बहुत अच्छा किया था, वो ऐसे चिंपैंजी के जैसा करके दिखाना। ओके, मेरे को बहुत मजा आया था। आई एम प्रेजेंटिंग चिंपैंजी फॉर माय डियर फ्रेंड रामलाल एंड ऑल द एस्टीम गेस्ट सिटिंग ओवर हियर, दिस इज चिंपैंजी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.